सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में एक जो समीक्षा आया था वहां पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है, और इसलिए हम लोगों का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की, इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? आप क्या लगता है? मुझे लगता है कि सर, इट्स टाइम टू टेक स्टूडेंट और यूथ पावर टू टेक द पॉलिटिकल पावर एंड रूल आउट द इंडिया, एंड इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड ऑलवेज इंडिया हैव टू द इंडिपेंडेंस टू लिव आवर लाइफ, लिव स्टूडेंट लाइफ एंड लिव। और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसे बात कर रहा है, लेकिन यह से हम लोगों का स्टूडेंट के मन में यह है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग कैसे हम लोग का आवाज उठाएंगे? यह हम लोग का स्टूडेंट के मन में डर भेजा दिया है, क्योंकि का आंदोलन में जो का प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी का प्रोटेस्ट में हम लोगों का पास, हम लोगों का साथी को मार दिया गया है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है इंडिया को पॉलिटिकल पावर, और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर, इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है। हम लोग का अभी तो जो इकोनॉमिकल क्रैश हो गया है, इकोनॉमिक तो हम लोग का जीडीपी इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है हम लोग के पास, और भी फार्मर्स रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है साल भर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोग के पास, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ही भरा है वहां पे सारा। हम लोग किसके स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा? अपकमिंग मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा या खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा? और भारत एक ऐसा देश है सर, जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी हक से जीना चाहता है सर, हक से। मेरा जो इंडिपेंडेंट है, मेरा जो वॉइस है वो राइज करना चाहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इट्स टाइम टू इंडिया, जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स में यूथ रूल आउट करे, और यूथ लोग इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरह ले चले, और इंडिया को इकोनॉमी जो क्राइस हो रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, है ना? हाँ सर। और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा, और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा, और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर, अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। यह डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा, देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहता हूं। डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती।
क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से।